गांव गोरखपुर में पहुंचने पर लेफ्टिनेंट अनु नैन का समस्त ग्रामवासियों ने भव्य स्वागत किया। अनु नैन ने शहीद राजेश व शहीद सतपाल की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित किए और उनको नमन किया। अनु नैन ने यूपीएससी द्वारा आयोजित सीडीएस परीक्षा में ऑल इंडिया स्तर पर तीसरा रैंक प्राप्त किया और अपनी प्रतिभा का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस सफलता के बाद अनु जिला फतेहाबाद की पहली महिला लेफ्टिनेंट बन गई। यह परीक्षा संपूर्ण भारत में केवल 16 महिला पात्रों के चयन के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 1,00,000 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। अनु के पिता सतपाल नैन ने बताया कि वह वायु सैनिक के तौर पर भर्ती हुए थे तथा तरक्की करते हुए विंग कमांडर के पद तक पहुंचे। उनकी बेटी के सीधे लेफ्टिनेंट भर्ती होना उनके लिए बड़े गौरव की बात है। अनु नैन ने वर्ष 2019 में इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करके घर से ही सीडीएसई की तैयारी शुरू कर दी थी। उनकी लगन एवं मेहनत के बल पर पहली बार लिखित परीक्षा, इंटरव्यू तथा मेडिकल परीक्षा पास कर ली। अनु ने बताया कि उसके माता पिता का अनुशासित जीवन, गुरुजनों की सख्त गाइडलाइंस और वायुसेना के सामाजिक वातावरण के कारण उसको परीक्षा पास करने में सबसे ज़्यादा सहयोग मिला। उनका भारतीय रक्षा सेना से लगाव उनके नाना महावीर कुलड़िया से हुआ, जिनको वह अक्सर अपनी बंदूक साफ करते हुए देखती थी। सेवानिवृत्त महावीर कुलड़िया का सपना था कि उनकी दोहती अनु नैन लेफ्टिनेंट भर्ती हो तथा उनको वह स्वयं अपने हाथों से स्टार लगाए। माता उर्मिला नैन के संस्कारों और मार्गदर्शन के कारण अनु की हर मंजिल आसान होती चली गई। उन्होंने वो कहते हैं ना कि एक सिपाही की जिंदगी एक सिपाही बता सकता है, एक किसान की जिंदगी के बारे में खुद के किसान बता सकता है। उसी तरह से बहन अनु ने बताया कि किस तरह से हम कितनी कठिनाइयों का सामना करते हैं, मगर उन्होंने फिर भी ये कहा कि आप में से हर कोई बन सकता है, क्योंकि हिम्मत खुद में जगानी होती है और हर कोई बन सकता है। यदि लेफ्टिनेंट बनना चाहता है, ये जनरल पद पे जाना चाहता है, कोई और अन्य पद पे जाना चाहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन अनु नैन का, उन्होंने मोटिवेट भी किया, अपने बारे में बताया, हमारे गांव का नाम रोशन किया और अब देश को एक नई बुलंदियां छूने का काम करेंगी पायलट बन के भी। अब मैं अनु नैन जी के पिताजी श्री सतपाल नैन जी, एक्स विंग कमांडर भारतीय वायुसेना, उनको मंच पे बुलाना चाहूंगा। वो सम्मान में दो शब्द कहें और धन्यवाद और समापन भी शायद सतपाल नैन जी ही करें। सतपाल नैन जी, माता पिता जिन्होंने यहाँ पे आकर के इस समायोजन का सौभाग्य बढ़ाया। धन्यवाद करता हूँ श्री मनीष जी का, जिनको मैंने थोड़ा सा इशारा किया था कि बेटी ऐसे आ रही है, तो उनको हम शहीदों की माला समर्पण का प्रोग्राम करना चाहते हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि सब कुछ हो जाएगा। हमारी अगली पीढ़ियाँ हैं, वर्तमान पीढ़ियाँ हैं, उनको एक प्रेरणा मिलेगी।
बेटी देश की बेटी देश का गौरव से सम्मानित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूं श्री बलवीर कामरेड जी को, जो कि किसान नेता हैं, वो आए और बलवीर कामरेड जी परिवार को जिन्होंने देश के लिए और धन्य है सरकार के मानने का परिवार जिन्होंने इस बेटी को बचाई। माताओं बहनों राम की प्रकृति चाली, आज हम एक ऐसी बेटी के समारोह में सम्मिलित सौभाग्य से जिसने हरियाणा का नाम ऊंचा किया, नाम ऊंचा किया, पटेवाड़ का नाम ऊंचा किया, उस पर गांव का और नए परिवार का बलजीत गांव चौबारा से बहनों को सम्मानित करें। बाबा गुरु गोरक्षनाथ जी की पावन धरा पर पहुंचने पे गांव गोरखपुर की बेटी अनु नैन, जो कि लेफ्टिनेंट बन के लौटी हैं, तो उनका
गांव गोरखपुर की धरा पे पहुंचने पे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से ग्राम पंचायत गोरखपुर की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। सभी दोस्त जितने बाइक पे आ रहे हैं पीछे आ रहे हैं, सभी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 भारत माता की, भारत माता की। राम 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 राम।